हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में कहा गया है एबीसी एक ट्रायंगल है और जिसका एडी मीडियन है। पी जो पॉइंट है वो एडी पे इस तरह से है कि एपी और पीडी का रेशियो 1:2 है। इसमें हम लोगों को फाइंड करना है, बताना है कि ट्रायंगल एबीपी का एरिया क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस पूरे ट्रायंगल का एरिया को मान लेंगे वन। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल वन। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि मीडियन ट्रायंगल का जो है ट्रायंगल को टू इक्वल एरियाज में डिवाइड करता है। आप लोगों को क्लास 9 चैप्टर 9 एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स में एग्जाम्पल 3 में इसको प्रूव किया गया है एनसीईआरटी बुक में। तो एडी जो मीडियन है वो इस पूरे ट्रायंगल को एबीसी को टू इक्वल एरियाज में डिवाइड कर देता है। तो इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी हो जाएगा 1/2 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, है ना, क्योंकि ये हाफ हो गया और ये हाफ हो गया। तो इस पूरे ट्रायंगल का ए बी डी हाफ हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि पॉइंट पी जो यहाँ है, तो हम लोग इसको पहले कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। ए बी पी ये एक ट्रायंगल हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि ए पी और पी डी का रेशियो 1:2 है। तो अगर हम लोग ए पी को एक्स मानते हैं, ठीक है, तो पी डी हो जाएगा 2x। ठीक है, अब हम लोग पी डी को डिवाइड कर देते हैं, बाइसेक्ट कर देते हैं टू इक्वल लेंथ में। तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं कोई पॉइंट है M। ठीक है, तो अब एक और ट्रायंगल हम लोग कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। यहाँ से यहाँ का लेंथ 2x था, क्योंकि हमने पी डी को बाइसेक्ट किया है। तो ये अब लेंथ जो हो गया, पी एम भी एक्स हो गया और एम डी भी एक्स हो गया। ठीक है, यानी ये तीनों लेंथ एक्स हो गया। तो उसी एग्ज़ाम्पल का जो कि क्लास 9 चैप्टर 9 में एग्ज़ाम्पल 3 दिया गया है, तो उसी का हम लोग यूज़ करके, उसी प्रॉपर्टी के, मीडियन के प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम लोग पता लगा सकते हैं कि ये जो एरिया होगा ट्रायंगल का, और ये एरिया और ये एरिया, तीनों इक्वल होगा। क्योंकि आप देखेंगे कि इस ट्रायंगल के लिए, इस ट्रायंगल के लिए बी डी पी के लिए ये मीडियन हो जाएगा, तो इन दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा। उसी तरह ए बी और एम के लिए ये मीडियन हो जाएगा, तो इसका एरिया इक्वल होगा। तो इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल है, इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल है, तो इसलिए तीनों का एरिया इक्वल हो जाएगा। तो इसीलिए इस ट्रायंगल का ए बी पी का एरिया हो जाएगा 1/3 ऑफ ए बी डी। ठीक है, उसी तरह इसका भी वही, इसका भी वही। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी इक्वल्स 1/3 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, 1/3 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, ए बी पी का एरिया हुआ। तो ए बी डी का एरिया कितना है, ए बी डी का एरिया हमने यहाँ फाइंड किया है 1/2 ऑफ एरिया ए बी सी। तो 1/3 ऑफ एरिया ऑफ ए बी डी क्या है, 1/2 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। इसका एरिया ए बी सी के हाफ एरिया के इक्वल है, इसीलिए हमने इसकी जगह जो है ये लिख दिया। ठीक है, 1/3 ऑफ 1/2 यानी 1/6 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी हो गया 1/6 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी।
फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आपको इसी तरह के हेल्पफुल वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।